राजस्थान के हनुमानगढ़ में सोमवार एक MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट बहलोल नगर इलाके में एक घर पर जा गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि विमान का पायलट सुरक्षित है। वहीं हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। बता दें कि MiG-21 सिंगल सीटर विमान था। पायलट द्वारा विमान क्रैश होने से कुछ मिनट पहले तकनीकी खराबी की सूचना दी गई थी। जब विमान तेजी से धरती की तरफ जाने लगा तो पायलट पैराशूट की मदद से सुरक्षित लैंड कर गया। वहीं विमान बहलोल नगर के एक घर पर जा गिरा। इस हादसे में चोटिल पायलट के लिए MI-17 भेजा गया है। वहीं MiG-21 विमान ने सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक MiG-21 जिस छत पर गिरा था वहां लोग पहले से मौजूद थे। घटना को लेकर स्थानीय पुलिस थानेदार सदर का कहना है कि पायलट को एयरलिफ्ट किया गया है। पायलट के लिए वायुसेना MI-17 भेजा है। MiG-21 जिस छत पर जाकर गिरा है वहां 3 महिलाएं और एक आदमी मौजूद थे, जिसमें से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं अब एक और घायल ने दम तोड़ दिया है। वहीं SDM अवि गर्ग ने कहा कि तीनों मृतक अलग अलग परिवार के हैं। तीनों ही परिवारों को 5-5 लाख मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हादसे में 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।